पर फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम मार्च 2020 में हरियाणा बोर्ड में चैप्टर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, उसमें से किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं इसके बारे में बात करेंगे। आमतौर पे क्या होता है कि हरियाणा बोर्ड में जो हमारा चैप्टर 7 है निर्देशांक ज्यामिति, इसमें से 6 मार्क्स का सिलेबस आता है, यानी कि 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इसमें एक एक अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 4 अंक के लिए आएंगे, तो टोटल हमारे पास 6 हो जाते हैं, 6 मार्क्स हो जाते हैं। यानी कि यहाँ से 3 क्वेश्चन आएंगे एक एक अंक के, 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 4 अंक के लिए। तो देखते हैं मार्च 2020 में किस तरह के क्वेश्चन चैप्टर 7 से आए हुए हैं। तो यहाँ पे कोड ए की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है जो एक अंक के लिए आया हुआ है कि बिंदुओं 2-3 और 4-1, ये 2 बिंदु दिए हुए हैं, इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आप इनके बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे, एक अंक के लिए क्वेश्चन था। ठीक इसी तरह से 11वां क्वेश्चन भी एक अंक के लिए है, ये हम कोड ए की बात कर रहे हैं, कोड ए के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम यहां। 11वां क्वेश्चन भी एक अंक के लिए है, इसमें है कि यदि रेखाखंड का मध्य बिंदु 3-4 है, कोई रेखाखंड है जिसका मध्य बिंदु दे रखा है, मान लो हम ये रेखाखंड लिख लेते हैं, जिसका मध्य बिंदु दिया हुआ है 3-4, जिसका एक सिरा 7 और -2 है, 7 -2 है, यहां पे इसके दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात कर लिए, तो इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। अभी देखो हम अगर ए मान लें, ये बी मान लें और ये एम मान लें, तो हमें बी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मेरे बच्चों हम बी के निर्देशांक को क्या मान लेते हैं, ए बी मान लेते हैं। अब देखो मध्य बिंदु फॉर्मूला बताओ, ए बी पे ए बी का मध्य बिंदु क्या बनेगा, 7 + a/2 और -2 + b/2, ये मध्य बिंदु आया, ए बी का मध्य बिंदु हुआ ये, लेकिन ये मध्य बिंदु तो किस क्या दे रखा है 3-4, यानी कि किसके बराबर होगा ये 3 और 4 के, यानी कि 7 + a/2 किसके बराबर हुआ 3 के, और -2 + b/2 ये किसके बराबर हुआ 4 के। एक्स निर्देशांक को एक्स निर्देशांक के बराबर रख दिया और वाई निर्देशांक को वाई निर्देशांक के बराबर, आर पार गुणा की तो 7 + a = 6, a = 6 - 7, तो a का मान आ गया -1। इसी तरह से यहां पे आर पार गुना करें, -2 + b = 8, तो b = 8 + 2, तो b का मान आ जाएगा 10। तो जो दूसरा सिरा है उसके जो निर्देशांक है वो क्या हो गया हमारे पास -1 और 10, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो एक अंक के लिए ये क्वेश्चन हो, एक एक अंक के 2 क्वेश्चन हो। अब इसमें से जो 4 मार्क्स के लिए, जो 4 अंक के लिए क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं एक बार। जो हमारे पास 4 अंक के लिए इसमें से क्वेश्चन आया है वो है, ये हमारे पास 26वें नंबर पे क्वेश्चन है कि बिंदु -4 6, बिंदुओं ए है -6 और 10 और बी है 3 और -8, बिंदु -4 6, बिंदुओं ए -6 10 और बी 3 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को उसने ये कहा है कि ये जो बिंदु है -4 और 6 शुरू वाला जो बिंदु है वो विभाजित करता है ए बी रेखाखंड को, तो ये किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का 4th क्वेश्चन था हमारे पास। तो जब भी हमें अनुपात निकालना हो, देखो अगर अनुपात दे रखा होता तो इसके निर्देशांक पूछते, अगर हम इसको आर मान लें। अब यहाँ पे हमें अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको के अनुपात 1 मान लेंगे। अब देखो x1 y1 x2 y2 m1 m2, और हम क्या करेंगे विभाजन सूत्र लगा देंगे, विभाजन सूत्र लगा देंगे तो आर के निर्देशांक आ जाएंगे, लेकिन आर के निर्देशांक तो कितने हैं -4 और 6, तो उसको -4 और 6 के बराबर रख देंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने एक्स निर्देशांक को एक्स निर्देशांक के बराबर रखा है,
और वाई निर्देशांक को वाई निर्देशांक के बराबर रखा है तो क्या करेंगे, बराबर रख देंगे और कोई से भी एक पार्ट को सोल्व कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, के का मान आ जाएगा। अब हमने अनुपात क्या माना है, अनुपात हमने माना है के अनुपात एक। अब के का जो मान आया वो मान यहां पे रख दो, कुछ भी जो मान आता है वो मान रख दो यहां पे। अगर वो बटे वाला आता है तो जो भी बटे में होगा उससे हम यहां पे जो होगा उससे गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास चार अंक का जो क्वेश्चन है, यहां पे कोड ए से आया हुआ। आगे बढ़ते हैं कोड बी की तरफ। अगर हम कोड बी की बात करें तो क्वेश्चन का जो नंबर है वो फिक्स रहेगा, यहां पे हमारे पास 10वां 11वां और कौन सा क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन है। तो यहां पे अगर दूसरे कोड की अगर हम बात करें कोड बी की, अगर हम बात करें इसमें एक अंक का एक क्वेश्चन है 10वें नंबर पे, हमारे पास दिया हुआ है कि -5, 7 और -1, 3 दो बिंदु दिए हुए हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, दूरी सूत्र लगा देंगे। सबसे पहली एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है। नेक्स्ट इसी तरह से जो 11वां क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि यदि एक रेखाखंड का एक सिरा मूल बिंदु है, एक रेखाखंड है जिसका एक सिरा मूल बिंदु यानी कि 0, 0 है, जिसका मध्य बिंदु 1, 0 है, मध्य बिंदु 1 और 0 है, तो क्या करना है, दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो गया, दूसरे सिरे के निर्देशांक हमने ए भी मान लिए तो मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे तो 0 + a/2 और 0 + b/2 किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास 1 और 0 के। देखो हम शॉर्ट में कर रहे हैं क्वेश्चन क्योंकि पूरी एक्सरसाइज को पूरे चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से करवा चुका हूं, तो ये आपको शॉर्ट में सब समझ में तभी आएंगे जब आपने चैप्टर अच्छी तरह से कर रखा होगा। तो पहले आपने चैप्टर करना है अच्छे तरीके से, फिर इनको आप बड़ी आसानी से सोल्व कर पाएंगे, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं। अब यहां से देखो ये हुआ हमारे पास 1/2 और ये 2/2 बराबर है 1 और 0 के। 1/2 एक्स निर्देशांक को एक्स निर्देशांक के बराबर रख दिया और 2/2 वाई निर्देशांक को वाई के। आर पार गुणा की तो ए का मान कितना आ गया 2, आर पार गुणा की तो बी का मान कितना आ गया 0। ए हमारे पास 2 हो गया और बी 0 हो गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो एक अंक के लिए ये क्वेश्चन। ठीक इसी तरह से अगर हम 26वां क्वेश्चन देखें बी कोड में, बी कोड में हमारे पास 26वें नंबर पे क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिया हुआ है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो 4, -3 और 8 और 5 इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को अगर इसको हम ए मान लें और इसको बी मान लें किस अनुपात में विभाजित करता है 3:1 में। थोड़ा सा इधर कर सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3:1 में विभाजित करता है। तो आर के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है आंतरिक, आपके जो सिलेबस है उसमें आंतरिक विभाजन ही है, बाह्य विभाजन एक्सटर्नल डिवीजन नहीं है, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो x1 y1 x2 y2 m1 m2 तो सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र अप्लाई कर देंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है जो वो इसमें पूछ लिया गया। तो ये हमारे पास हो गए कोड बी के क्वेश्चन। तो सेम ही रहा पैटर्न, कोई ज्यादा सा चेंज नहीं है हमारे पास। अगर हम कोड सी के क्वेश्चंस की बात करें तो कोड सी में हमारे पास 10वें नंबर पे जो क्वेश्चन है, अब हम कोड सी की बात कर लेते हैं, इसमें जो 10वें नंबर पे क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है -1, 5 और 7, 3 ये दो बिंदु दिए हुए हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो उसी तरह से सेम पैटर्न है, 11वें नंबर पे भी एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। 11वें नंबर पे कहा है कि ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है, एक वृत्त है और ये वृत्त का व्यास ए बी है जिसका केंद्र 2 -3 है, 2 और -3 है
और बी के निर्देशांक दे रखे हैं एक और चार। देखो उसी पैटर्न पे क्वेश्चन दे रहे हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। ये हमारे पास 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब ए के निर्देशांक हम क्या मान लेते हैं, ए भी मान लेते हैं। अभी देखो मध्य बिंदु होगा ना, जो केंद्र है इसका, एक व्यास का मध्य बिंदु होता है, तो फॉर्मूला लगा दिया मध्य बिंदु का, ए प्लस एक बटे में दो और बी प्लस चार बटे में दो। तो ये मध्य बिंदु आ गया, मध्य बिंदु तो केंद्र होता है, तो कितना दे रखा है ये दो और माइनस तीन, ये दे रखा है हमारे पास दो और माइनस तीन। तो क्या करें हम, इसको इसके बराबर रख के ए का मान निकाल लेंगे और इसको इसके बराबर रख के बी का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे ए प्लस एक बटा दो किसके बराबर हो जाएगा दो के, और बी प्लस चार बटे में दो ये किसके बराबर हो जाएगा माइनस तीन से। इसको सोल्व करेंगे, इधर आ जाएगा दो दो चार, और ये एक इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो चार माइनस एक तीन आ जाएगा, तो ए का मान तीन आ जाएगा। इसी तरह से ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर पार गुणा करेंगे, तो माइनस के छह हो जाएंगे, और चार इधर आके माइनस का चार हो जाएगा, तो बी का मान आ जाएगा माइनस दस। तो ए का मान आ जाएगा हमारे पास तीन और बी का मान आ जाएगा माइनस दस। तो बिल्कुल जैसे हमारा ग्यारहवा क्वेश्चन इसमें था, उसी तरह से मध्य बिंदु सूत्र के हिसाब द्वारा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। इसी तरह से छब्बीसवा क्वेश्चन देख लेते हैं। छब्बीसवें क्वेश्चन में सी कोड में क्या नया आया है, ये कुछ भी नया नहीं है। तो 26वें क्वेश्चन में कहा गया है कि बिंदुओं माइनस तीन दस छह और माइनस आठ को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु माइनस एक छह किस अनुपात में विभाजित करता है। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अनुपात हमें बताना है। 26वां क्वेश्चन सी कोड के लिए है कि बिंदुओं माइनस तीन दस और दूसरा है छह माइनस आठ को जोड़ने वाले रेखाखंड को जो बिंदु है माइनस एक छ वो किस अनुपात में विभाजित करता है। तो वही हमारे पास हम क्या मान लेंगे कि अनुपात ए में एक में विभाजित करता है। ए लिख लेते हैं, ये बी लिख लेते हैं, ये आर, तो आर के निर्देशांक निकाल देंगे विभाजन सूत्र से और उसको किसके बराबर रख देंगे माइनस एक और छ के। एक्स निर्देशांक को एक्स निर्देशांक के बराबर रखेंगे, वाई निर्देशांक को वाई के बराबर रखेंगे और सोल्व कर देंगे, ए का मान आ जाएगा अनुपात। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नई बात इसके अंदर नहीं आई है। नेक्स्ट अगर हम डी कोड की बात करें, डी कोड में तो दोनों ही क्वेश्चन टेंथ नंबर पे जो क्वेश्चन है फोर डी, इसमें एक माइनस तीन और चार और एक दो बिंदु दिए हुए हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बढ़िया आसानी से आप कर दोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल इजी कर दिया। इसमें कहा गया है कि रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके सिरे सिरे दे रखे हैं चार पांच और दो माइनस एक है, तो इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। ये ए ये बी एम मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाते हैं, सिंपल बिल्कुल ओवर हो जाएगा, चार और दो छह बटे में दो तीन आ जाएगा, ये हमारा तीन हो गया, और पांच माइनस एक चार बटे में दो दो, तो ये हमारा आंसर ही आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ये, तो बाकी पार्ट में तो फिर भी थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, यहां तो हम इसको ओरल कर सकते हैं, इतना इजी क्वेश्चन दे दिया। ठीक इसी तरह से अगर हम 26वें क्वेश्चन की तरफ चलें, तो 26वां क्वेश्चन हमारे पास 26वें क्वेश्चन में कहा गया है 4D में वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए एक माइनस पांच और बी माइनस चार पांच को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड एस अक्ष से विभाजित होता है। इसको विभाजित कौन करता है, एक्स अक्ष। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। तब जब इसको एक्स अक्ष काट रहे तो वो जो पॉइंट जहां पे एक्स अक्ष काटेगा वो जो पॉइंट होगा उसको अगर हम आर दे नाम, तो ये ए और जीरो टाइप का होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पे वाई निर्देशांक क्या होता है जीरो होता है। ये हमारा एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया। अब देखो क्या, एक तो ये कहा कि क्या करना है हमें इस बिंदु के, पहले तो अनुपात निकालना है, अनुपात निकालने के बाद इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं,
एक्स अक्ष जो बिंदु है उसके निर्देशांक में ज्ञात करते हैं। अब देखो हमने मान लिया के अनुपात एक, तो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एम वन एम टू और विभाजन सूत्र लगा देंगे, किसके निर्देशांक आगे आर के, लेकिन आर कहां पे है एक्स अक्ष पे, तो इसके बराबर रख देंगे इसको, तो एक्स निर्देशांक ए के बराबर हो जाएगा और वाई निर्देशांक बी जीरो के बराबर हो जाएगा। अब वाई निर्देशांक वाला हिस्सा सोल्व करेंगे क्योंकि ये जीरो है, क्योंकि ना तो हमें ए का पता और ना के का पता, तो वाई निर्देशांक वाला जीरो के बराबर रखेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आर पार गुणा करेंगे तो के का मान आ जाएगा, के का मान आ जाएगा तो अनुपात आ जाएगा, और जब के का मान आ जाएगा तो एक्स जो एक्स निर्देशांक है वो ए के बराबर रख रखा है, तो एक्स निर्देशांक में के का मान रख देंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा ए का मान आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स अक्ष पे उस बिंदु का पता, इसके अंदर रख देंगे ए का मान तो एक्स अक्ष पे उस बिंदु का भी हमें पता चल जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास मार्च 2020 में चैप्टर 7 से हरियाणा बोर्ड में जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में हमने एक ब्रीफ डिस्कशन की है। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो हमारे फॉर्मूले हैं जो हमारे चार फॉर्मूले हैं उन पे बेस्ड ही क्वेश्चन आए हुए हैं, जबकि इसमें चौथा फॉर्मूला तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला तो कहीं यूज भी नहीं हुआ, तीन फॉर्मूले में ही सारे के सारे क्वेश्चन हमारे तीनों के तीनों क्वेश्चन तीन ही फॉर्मूले में कवर हो गए हमारे। तो बहुत आसान सा चैप्टर है, एग्जाम के हिसाब से बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट, बेहद ज्यादा इजी, बेहद ज्यादा इंटरेस्टिंग और एग्जाम वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इस चैप्टर की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।